वेलकम बैक गाइस टू न्यू व्लॉग। हम जा रहे हैं, मैं आया था गांव और बस अब निकल रहा हूँ हुबली के लिए। ट्रेन आने वाली है 8:30 बजे कुछ। अब बस मैं आ चुका हूँ फालना और फालना से हुबली का सफ़र शुरू होने वाला है। और इस बार भी मैं सोलो ट्रिप करने वाला हूँ, साथ में दिलीप भाई भी आया है। बस हम पहुंच चुके हैं आबू रोड। हम चलिए, हम आ चुके हैं आबू रोड। और यहाँ पे तो आपको सबको पता ही है कि फेमस चीज़ क्या मिलती है, बट मैं नहीं खा रहा इस बार, मेरी तबीयत ठीक नहीं। बस आज टाइम हो गया 10:45 और हम नेक्स्ट आने वाला पालमपुर आबू रोड, तो हमने कब का क्रॉस कर लिया। सो गाइस, पालमपुर आ चुका है और पालमपुर उतर चुका है। यहाँ पे कुछ है ही नहीं यार हमारे साथ खाने के लायक, यहाँ पे उधर जाना पड़ेगा, बट मैं नहीं जा रहा। सो गाइस, बज रहे हैं 2:30 और हम हो गए लेट। मैं सो रहा था वैसे, और बस एक घंटे हमारी गाड़ी लेट चल रही है। बस अभी तक अहमदाबाद नहीं आया, मेरे को लगा अहमदाबाद छूट गया होगा गलती से, बट अभी टाइम है अहमदाबाद की चाय पीने का। अहमदाबाद आ चुका है और बस थोड़ी देर में आ जाएगा अहमदाबाद। और एक बैड तो गाइस, बैड न्यूज़ ये है कि ये गाड़ी हुबली नहीं जाएगी, बिकॉज कैंसिल हो गई। पूना से ये रूट चेंज करेगी सोलापुर बागलपुर और कटक, और कटक से हमको पकड़ने पड़ेगी ये गाड़ी रिटर्न। मेरे को कुछ दूसरी या दूसरी ट्रेन मिले या तो बस मेरे को वहाँ से, मतलब मेरे को कटक जाना पड़ेगा। पूना उतर नहीं सकता क्योंकि पूना से होगी बहुत सारा दूर पड़ जाता है, कटक उतर होगा डबल काम हो गया। कोई ना, सह ले जब सही ले तो। नेक्स्ट हम उतर चुके हैं अहमदाबाद स्टेशन पे। अब हम चाय पिएंगे। अंकल एक चाय दो, ये लो 60 रुपये लो। चाय हमने ले ली है। सो अहमदाबाद की चाय पीने के लिए मेरे को बोला था अंशुल ब्लॉगर ने, अगर आपको अंशुल ब्लॉग पता नहीं तो होली के टाइम हम मिले थे
आप क्या करके देख सकते हो। तो भाई ये चाय कम पानी ज़्यादा लग रही है, बट मेरे को लगता है कोई दूसरा है जिसको अच्छा है, बट इसके ये भी नॉर्मल अच्छी है। और गाइस जिसने भी अंचुल वाला ट्रावल वाला ब्लॉग नहीं देखा तो जाके देखो, अहमदाबाद से गाड़ी डिपार्ट कर चुकी है और हमारी गाड़ी एक घंटे से ज़्यादा लेट है, एक घंटा लेट है बट है। नाम से तो फिर उसमें ज़्यादा पूछता जाते हैं, देखे हो सकल हाँ अंकल फला जगह बोला ऐसा सीधे वो निकल ही जाएंगे, ऐसा रहता है। कोई नहीं पहचान तो पूछेगा तो आप बता दें भाई पर फला जगह जोधपुर अजमेर है, डबल लाइन का भी चल रहा है ना, चल तो रहा है उसका भी चल रहा है, बीच में फिर ये अहमदाबाद से बॉम्बे उसका भी चल रहा है, वो बुलेट का भी चल रहा है, वो चलेगा क्या कभी? हाँ चलेगा, वो गाड़ी चल रही है एक घंटे लेट और मैंने मंगाई चाय यहाँ पे अमूल की चाय दे देंगे, अमूल की दूध से बनी चाय और बहुत ही मस्तदार है चाय सच। सो अब नेक्स्ट स्टॉप आने वाला है सूरत और गाड़ी पे भी एक घंटा लेट है। रगड़ रगड़ के मैल छुड़ाने का 150 का है और ये है 200 रुपए में, एक बार नहीं लाखों बार अपने बच्चे को सिखाओ समझाओ बताओ सीधा डिलीट, न तो पेन जाएगा न तो पेंसिल जाएगा। चीज मेरे पास सब एक ग्रेड का बिकता है, ईयरफोन है। आज हमने ले लिया एक छोटा सा पैड बच्चों के लिए, मेरा भतीजे के लिए लिया, तो बस फिर मैं जाके पापा का रास्ता तक उसको दे दूँगा। कुछ लेना है तो हम चुके हैं सोलापुर और मैं अभी अभी उठा हूँ। सोलापुर की मसालेदार चाय एक नंबर वाली और सोलापुर स्टेशन स्पेशल पेड़ा धारवाड़ पेड़ा सर पेड़ा धारवाड़ पेड़ा।
गाइस हम उतर चुके हैं गदक और मैं गदक आ चुका हूँ। अब देखते हैं कोई ट्रेन मिलती है या बस, मुझे पता नहीं अब क्या होगा, बट देखते हैं यार, पूछ के देखते हैं क्या होता है। सो मैं आ चुका हूँ गदक बस स्टैंड और यस भाई ने छोड़ दिया ऑटो वाले भाई ने, तो बस यहाँ से बस पकड़ते हुबली के लिए, फिर सीधा हुबली। बोलो ये बस स्टैंड बहुत बड़ा है यार गदक का, मैं पहली बार आया हूँ और अकेले मेरे को खुद कुछ समझ नहीं क्या करें। सो मैं आ चुका हूँ हुबली रेलवे स्टेशन, वो रेलवे स्टेशन और ये रहा रेलवे ब्रिज, तो बस और आगे निकलते ही मेरा घर आ जाएगा। फाइनली आ गए बस।